लगातार कंबल वितरण का दौर जारी है। आदर्श कृष्णा राष्ट्रीय आवासीय विद्यालय के प्रबंधक की ओर से कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्य अतिथि की भूमिका में मौजूद रहे। कंबल वितरण का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में डॉक्टर किरण सूर्या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एकेडमी आदर्श राष्ट्रीय आवासीय इंटर कॉलेज के प्रबंधक अशोक यादव ने कंबल वितरण की परंपरा को निभाते हुए मौजा भांति के कई परिवारों को कंबल वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में जिले के अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह रहे, जिन्होंने कहा है कि वृद्ध असहाय और गरीबों की सेवा करने से पुण्य मिलता है, हमें इन कार्यक्रमों में आगे आकर सहयोग करना चाहिए। प्रबंधक अशोक यादव ने कहा है कि वृद्धों की सेवा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। कार्यक्रम में गांव गुलाबी में लगभग 400 परिवारों को कंबलों का वितरण किया गया और जिन लोगों को कंबल मिले वे बेहद खुश नजर आ रहे थे। जिले के अपर पुलिस अधीक्षक महोदय इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे और इस कार्यक्रम में लगभग 400 कंबलों का वितरण किया गया। सर, हर साल आप ये कंबल बांटते हैं क्या? हाँ, कोशिश ये की जाती है कि प्रत्येक वर्ष जो है हम बुजुर्गों और वृद्ध जनों का सम्मान करते हैं और सम्मान के रूप में उनको एक कंबल भेंट करते हैं, जो इस वर्ष भी किया था। अगर आपको जानना है मैनपुरी की छोटी बड़ी खबर का हाल तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।